الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيت الخيرين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا करते थे बदलते हुए वक्त ने उनको हमसे जुदा कर दिया और वो अब हमको इसलिए याद आ रहे हैं कि हमारी मजलिसों में हमारे मातम में वो हमारे साथ साथ शरीक रहा करते थे। ये दुनिया गुज़िश्तनी वो गुज़िश्तनी है, वो गए हमको भी जाना है। वक्त किसी का मुअय्यन नहीं, किसी इंसान को यह नहीं मालूम है कि कहां मरना है और कब मरना है। इसलिए हम एक मरतबा आज फिर आगाज मुहर्रम पर ये अहद करते हैं कि जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह इसी दामने आले मोहम्मद से वाबस्ता रहेंगे और जब मौत आएगी तो हम मुतमईन मरेंगे कि हमने हज़्ब इस्तेदाद और सलाहियत अपने फरीजे को अदा किया था। ये हक है और इसका समझना भी जरूरी है कि जिस शान से और जिस एहतमाम से आप अपने इस फरीजे को बजा ला रहे हैं वो यकीनन बहुत सौ के लिए बाईस हैरानी है। मैंने अपने भाइयों को देखा, सवारियों का इंतजाम है, खवातीन के लिए इंतजाम है, वो जो परेशान रोजगार है वो भी किसी न किसी सूरत यहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं उन हजरात से भी वाकिफ हूं कि जिनके पास बज़ाहिर आज़ादारी के लिए कोई सरमाया नहीं, तिहाई फलाकत के आलम में है,
इंतहाई परेशानी के आलम में वो वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने भी मुहर्रम का चांद देखा, उन्होंने भी यह तय किया कि जो कुछ भी सही, जो कुछ भी सही, हम अपनी सारी सलाहियतों के साथ ये 10 दिन गुजारेंगे और उसी तरह से अपने आप को वक्फ कर देंगे कि जैसे कोई गनी दौलतमंद मालदार अपने वक्त को नजर हुसैन करता है। बहर सूरत गरीब, अमीर, गदा, समंदर, फकीर, माल दुनिया रखने वाले सब के सब इस गम में बराबर के शरीक हैं। कराची की वो दूर दादा बस्तियां के जहां बमुश्किल है तमाम खर्च पाने के लिए अभी अभी लोगों को जगह मिली है, वहां से भी अब आहिस्ता आहिस्ता हुसैन हुसैन की आवाजें बुलंद हो रही हैं। जहां जहां रहने को दोस्तों को जगह मिल जाती है, सर छुपाने को जगह मिल जाती है, वो चाहते हैं उसी जगह नाम हुसैन लिया जाए। और उनकी कोशिश ये हो जाती है कि दो चार घर एक जगह हो जाए तो फिर मजलिस भी हो, औरतें भी एक जगह जमा हो, बच्चे भी एक जगह जमा हो और इस तरह सरवर और सरदार का मातम किया जाए। बड़ी मजलिसों में जमा होने वाले छोटी छोटी मजलिसों से गाफिल न हो, दो दो आदमी चार चार आदमी मुख्तलिफ मकामात पे बैठे हुए बराबर तस्करा कर रहे हैं, आफरीन है इस कौम पर। और ये दोस्त सब के सब इनकी कोशिशें काबिल सिताइश हैं कि अज़्म कर लिया है बहुत पहले से कि खिदमत करेंगे तो खिदमत मौला में इन्होंने वाकई अपने आप को वक्फ कर दिया है। यकीनन यकीनन ये वो मिट्टी है कि जिसमें तीनते मोहब्बत आले मोहम्मद से खमीर मिला है, और यकीनन ये वो खिलकत है कि जिस खिलकत को उनकी मोहब्बत ने पाक व पाकीज़ा किया है उस पर नाज है और नाज रहेगा। मैं ये गुफ्तगू इसलिए करता हूं कि चूंकि ये मेरे सिलसिले तकारीर की हर रोज आखिरी तकरीर हुआ करती है, बजाय इसके कि मैं तवालत कलाम का बाइस बनूं, चाहता हूं कि जरा सा आपको अपने अमल की तरफ मुतवज्जे रखूं कि वाकई हम जो कुछ कर रहे हैं वो किस कदर हक बजानिब है और कहां तक हम हक रखते हैं कि यह किया जाए। बार बार ये पूछा जाता है, बार बार ये दरियाफ्त किया जाता है, जैसे चांद नजर आया हर तरफ यही गुफ्तगू शुरू हुई कि मजलिस की हद तक तो बात समझ में आती है लेकिन मातम की हद तक बात समझ में नहीं आती। एक जगह बैठ के तस्करा करना बहुत अच्छा है मगर यह समझ में नहीं आता कि मातम क्यों किया जाए, ये समझ में नहीं आता कि इंसान इतना बेकरार और मुस्तरिफ क्यों हो जाए, इंसान क्यों इस कदर तड़प उठे कि वो अपने आप को जर्ब लगाए या अपने आप को जर्ब पहुंचाए। बहर सूरत ये पूछने वालों की यकीनन एक ऐसी काविश जहनी है कि जिसका उनको बार बार जवाब मिल चुका, लेकिन बार बार उनको जवाब मिलना भी चाहिए। गुफ्तगू ये इसलिए छिड़ गई कि बगैर किसी तमहीद के हमारी तीन मजलिसें बगैर मातम के होती हैं। ये चौथी मजलिस है अंजुमन ईरानियान की, जहां हम पहली ही से मातम करते हैं, पहली ही से नौहा होता है, और खुसूसन हमारे भाई जो बड़ी दूर दूर से आते हैं मलीर से और ट्रिक रोड से, उनके लिए जरा सा मौका मिल जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए खड़े होकर मातम कर लें। चूंकि गुज़िश्ता तीन मजलिसें मातम से खाली थी और शायद कुछ दिन और रहे, इसलिए यहां की हद तक
यह सवाल कुछ दिलों में है, कुछ दिमागों में है। मैं एक बात अर्ज कर दूं और उसके बाद खात्मे कलाम पे पहुंचूं। बस याद रखिए, हमेशा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब कोई पूछे तो एक जवाब आपके जहन में हमेशा ये रहे कि पहले ये तय करो, पहले ये तय करो कि जिक्र करना चाहिए या नहीं। पहले ये तय करो कि जिक्र हुसैन हो के न हो। यकीनन कोई इस बात का इनकार नहीं करेगा और कोई इस बात पर आपको मजबूर नहीं करेगा कि जहां ये कोई कह दे कि जिक्र न हो, नहीं, इनकार नहीं करेगा। तो अब दूसरी मंजिल यह है कि अगर जिक्र हो, अगर जिक्र हो तो जिक्र अपना एक अजीब तकसीम शुदा असर रखता है, मुनकसिम असर है, मुख्तलिफ असरात इस जिक्र के हैं। यानी मैंने हुसैन का नाम लिया, किसी सुनने वाले ने आंख खींची, किसी की आंख में आंसू आए, किसी का दिल तड़पा, मैंने मसाइब पढ़े, कोई बेअख्तियार रो पड़ा, किसी ने सरोसीना पीटने की कोशिश की। तो अब ये मुख्तलिफ असरात को किसी कानून का पाबंद तो नहीं किया जा सकता कि तुम जिक्र करो तो फकत सारा मजमा आह करे, तुम जिक्र करो तो सारा मजमा फकत दो आंसू बहाकर चुप हो जाए, किसी कानून का पाबंद नहीं किया जा सकता। जिक्र पर तो पाबंदी हो सकती है, असर पे पाबंदी नहीं हो सकती। जिक्र पर पाबंदी हो सकती है, असर पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और यही वो वजह है कि मकामात तासुर तारीख इस्लाम में बहुत से पेश नजर है। किसी ने अमीर उमीन का खुतबा सुना मुत्तकीन पर और एक आह की, एक सायका किया और वहीं उसने जान दे दी। लोगों ने कहा या अली ये तो मर गया। इरशाद फरमाया असर पर गुफ्तगू नहीं की जाती। तुम भी सुन रहे थे, वो भी सुन रहा था, मगर कोई बेदिली से सुन रहा था, कोई दिल के साथ सुन रहा था। जहां तवज्जो के साथ आदमी सुनता है उस पर यही असर होता है। तारीख में मुत्तकीन पर जो खुतबा है अमीर मोमिनीन का नहजुल बलागा में, उसमें उसके इख्तिताम पर यह वाकया दर्ज है कि एक शख्स वही कूफे की मस्जिद में मर गया। दुनिया को मालूम है हुआ से करनी ने यह सुन करके ओहद में दंदा ने अगदस रिसालत माप शहीद हो गए, अपने सारे दांतों को तोड़ दिया, मगर किसी आलिम ने, किसी फकीह ने उनके इस फेल को हराम नहीं करार दिया। तो सुनने की हद तक यह है कि यह खबर सुनाई जाए कि नहीं, लेकिन मुतासिर होने की हद तक कौन कह सकता है कि यह तासुर गलत था या सही था, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि सुनने वालों के हौसले को देखा जाता है, उनके इस्तेदाद को देखा जाता है। हौसले और इस्तेदाद को न समझा सकूंगा, इसलिए एक बात और अर्ज कर दूं। यह देखा जाता है कि किसको उस घराने से कितनी मोहब्बत है, किसको उस घराने से कितनी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है तो यकीनन असर है, मोहब्बत नहीं है असर नहीं है। तो जिसको मोहब्बत नहीं है वो क्यों मनवाना चाहे अपनी बात को उस पर जिसको मोहब्बत है। जिसको मोहब्बत नहीं है वो क्यों मनवाना चाहे अपनी बात को उस पर जिसको मोहब्बत है, या जो बेताल्लुक है वो क्यों मनवाना चाहे अपने आप को उस पर जिसको इस घराने से ताल्लुक है। ये ताल्लुक और बेताल्लुकी की दुनिया है, जितना गहरा रब्त होगा
जितना ज्यादा ताल्लुक होगा, जितना रिश्ता मोहब्बत मोहकम और मुस्तकम तर होगा, उतने ही असरात कवि और कवितर होते जाएंगे। और इन्हीं असरात का नाम है कभी आह, कभी गरिया, कभी मातम, कहीं जंजीर, कहीं बेहोशी। ये असरात मुख्तलिफ हैं, असरात मुख्तलिफ हैं। अब ये रह गया हिल्लत और हुरमत का गुफ्तगु कि ये हलाल है ये हराम है। ये बातें फकीहों में अच्छी मालूम होती हैं, खतीबों के लिए कुछ मुनासिब नहीं है कि खुतबा इस बात पर गुफ्तगु करें कि यह हलाल है या हराम है। हम इस मसले पर गुफ्तगु नहीं करते और नहीं करना चाहते। और फिर आगे बढ़कर ये कि अगर कोई जागुदास वाकया हो जाए, इसी सिलसिले में अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए कि किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, तो दुनिया ये भी इल्जाम लगाती है कि ये कैसा गम है, ये कैसी मजलिस है, ये कैसा मातम है कि इसमें जानों की नौबत आ जाती है, इंसान हलाक हो जाता है। तो ये भी कोई घबराने की बात नहीं है। सुबह से शाम तक कितने हादसे होते हैं, सुबह से शाम तक कितने आदमी रास्ते पर तड़प के मर जाते हैं, तेज रफ्तार सवारियों की नजर कितनी जाने हो जाती हैं। अगर इस तरह से मुहाफिलत का ख्याल हो, क्या चलने वाले को कोई रोक देगा, क्या गुजरने वाली गाड़ी को कोई रोक देगा, क्या रास्ते को बंद कर देगा, क्या किसी को चलने के लिए मना कर दिया जाएगा? नहीं, मरते भी हैं, चलते भी हैं, गुजरते भी हैं, गुजरगाह पर सब गुजर रहे हैं, मौतें भी वाक़े हो रही हैं। तो जहां रोजाना सदहा मौतें वाक़े हो, वहां तो रोकने की कोई सूरत नजर नहीं आती। और जहां हादसा इत्तेफाकन कोई हो जाए, तो इंसान उंगली उठाता है, निशानदेही करता है कि देखिए नुकसान हो गया। भाई नुकसान हो गया तो इस शान से नुकसान हो गया कि मरने वाले ने मुतमईन होकर जान दी, मरने वाले के अहिसा ये समझे कि कामयाबी की मौत मयसर हुई। और फिर इस शान से कि उसका इस्तकबाल भी किया गया कि गमे हुसैन में अंजाम ये होता है। हम तो ये कहते हैं कि खुदा करे हम सब का अंजाम यही हो कि जहां सही तौर पर हम अपने आप को उस सुर्ख रूप पा सकें बारगाह हुसैनी में। गरज ये कि वो दिन आ गए जबकि एतराजात भी होंगे, जबकि जवाब भी दिए जाएंगे। वो दिन आ गए जबकि लोग समझना चाहेंगे, और आप ही को समझाना है। मैं तो चार दकीके के लिए यहाँ हाजिर हूँ, जिम्मेदारी तो सब आपकी है। आप ही को हर राह से गुजरना है, आप ही को हर बज़्म में जाना है, आप ही को हर सोहबत में पहुँचना है। इसलिए चंद बातों को याद रखने की कोशिश कीजिए। मिन जुमला उनके एक बात ये भी थी कि जिसको अभी अर्थ करने की कोशिश की गई, ईरानियान में हुसैनिया ईरानियान में ये आखिरी मंजिल मातम की होती है। यहाँ तकरीर के न मैं काबिल हो रहता हूँ, न तकरीर को मैं ज़रूरी समझता हूँ, सिर्फ एक रस्म को अदा करना पड़ता है, इसलिए ये हाजिरी ज़रूरी होती है। अजीज़ों, यकीनन ये एक ऐसा पुर मकसद कारनामा है, ये एक ऐसा वाकया है जिसको वाकया करबला कहते हैं कि जिसके मुताल्लिक कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि बहुत पहले से इसका इंतजाम हुआ होगा, बहुत पहले से इसकी तैयारी हुई होगी। अगर वाकई खत्मुल मुरसलीन की निगाह बाबसीरत क़यामत तक हादिसात को देख रही थी, तो मोहम्मद अरबी ने यकीनन करबला को भी देखा है। और अगर करबला को देखा है तो यकीनन उन्होंने हुसैन को तैयार भी किया है, हुसैन की तरबियत भी की है। और अगर ये हक है कि रसूल जान रहे थे कि करबला का वाकया होने वाला है, तो यकीनन ये भी जरूरी है कि हुसैन इब्ने अली को इस तरह से आमादा किया जाए कि फर्जंद रसूल हर मंजिल पर हर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाए। और कभी कभी तो मैं ये सोचता हूं कि अगर सिलसिले
नबूवत में अंबिया के सिलसिले को खत्म करने वाला जान रहा था कि करबला में एक ऐसा वाकया होने वाला है जहां इतनी बड़ी कुर्बानी बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश की जाएगी। तो कभी कभी यह भी सोचता हूं कि इब्राहिम को भी शायद इसकी इत्तला होगी कि ज़ुर्रियत इब्राहिम में मीनाए करबला पर एक ऐसी कुर्बानी दी जाने वाली है, और अगर इब्राहिम को इसका इल्म होगा तो मैं उनसे पहले कभी कभी यह सोचता हूं कि शायद मूसा जैसे नबी उलुल अज़्म को भी इसकी इत्तला होगी कि एक ऐसी कुर्बानी दी जाने वाली है, और अगर मूसा तक ये बात पहुंच रही है तो बगैर नूह के नहीं आ सकती, यकीनन नूह को भी इसका इल्म होगा कि ज़ुर्रियत इब्राहिम औलाद नूह में से एक इतनी बड़ी कुर्बानी को पेश करने वाले इज्जत हासिल करेंगे इस कुर्बानी को पेश करके मैदान करबला में। और अगर यह हक है तो यकीनन इसकी तैयारी बहुत पहले से होगी। कारवाने हयात बेमकसद नहीं जाता, कारवाने हयात बगैर किसी गायत के नहीं गुजरता, यकीनन बहुत पहले रोजे अलास्त में यह तैयारी हो चुकी होगी कि यकीनन यकीनन किसी को अपने आप को रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करना है। यही वजह है कि बाज़ उलमाए उरफा ने यह कहा कि एक मर्तबा आवाज आई बारगाह रब्बुल इज्जत से कि मेरे बंदे हुसैन को बुलाओ। हुसैन इब्ने अली जब हाजिर हुए तो आवाज आई कि हुसैन एक मंजिल वो भी आने वाली है कि जहां तुमको अपनी कुर्बानी को पेश करना पड़ेगा। अर्ज किया परवरदिगार मंजूर है, हुसैन को मंजूर है, अगर मेरे नाना को पसंद है और अगर मेरे नाना की जरूरत की तकमील है इसमें और उनकी शफाअत का राज इसमें है तो परवरदिगार मंजूर है। आवाज आई हुसैन मदीना छोड़ना पड़ेगा। अर्ज किया मालिक मंजूर है। आवाज आई हुसैन बीमार बेटी वतन में रह जाएगी। अर्ज किया मालिक मंजूर है। आवाज आई हुसैन नाना की कब्र माँ की लहद भाई का मजार इन सबको छोड़ना पड़ेगा। अर्ज किया मंजूर है। आवाज आई हुसैन मक्का जाए अमन है सबके लिए मगर तुमको चैन नहीं मिलेगा, तुमको अमन नहीं मिलेगा, तुमको नहीं पनाह मिलेगी। अर्ज किया परवरदिगार मंजूर है। आवाज आई हुसैन बचपन का जिसको तुम बचपन से अजीज रखते हो, जिसको तुम बचपन से चाहते हो, जिसका बचपन तुम्हारे साथ गुजरा हो वो भी दागे मुफारकत देगा और वो तुमको खुदा हाफिज कहेगा। आलम मुसाफिरत में वो अकील का बेटा होगा। अर्ज की मालिक मंजूर है। आवाज आई हुसैन करबला की जमीन पर फुरात से दूर खेमे नज़्म होंगे। मालिक मंजूर है। आवाज आई हुसैन 18 बरस का लाल जमीन पर तौफेगा। अर्श की मालिक मंजूर है। आवाज आई हुसैन 25 बरस का भाई आंखों के सामने तड़प तड़प के जान देगा। अर्श की मालिक मंजूर है। आवाज आई हुसैन 6 महीने का बच्चा हाथों पर तड़प जाएगा। अर्ज किया मालिक मंजूर है। आवाज आई हुसैन सबको कुर्बान करना पड़ेगा। अर्ज की मंजूर। और एक मर्तबा एक आवाज आई यहां तक अपनी मंजूरी को अपनी उबूदियत के साथ पेश करने वाला एक मर्तबा चुप हो गया, खामोश हो गया। आवाज आई हुसैन बहन दर बदर फिरेगी, बहन दर बदर फिरेगी, ज़ैनब करबला से कूफा दूर होके जाएगी। एक मर्तबा हुसैन चुप हो गए, अब कुछ नहीं बोलते। आवाज आई हुसैन कुछ नहीं बोलते। हुसैन इब्ने अली ने अर्ज किया कि मालिक जहां तक मेरा ताल्लुक था मैंने हर बात को मंजूर किया है, अगर हुक्म हो तो ज़ैनब से पूछ लो कि एक मर्तबा आलम सर में किसी ने बाजू को थाम लिया का भाई ज़ैनब को मंजूर। Thank you.
ہوئے